अमेरिका ईरान कशीदगी आलमी मईशत के लिए नुकसान थे। अमेरिका के एक्शन पर ईरान ने रिएक्शन दिया। दिन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए दिफाई तजिया कारों ने कहा, उम्मीद है मामला बेहतरी की जानब जाएंगे क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क जंग का मुतहमल नहीं हो सकता। यानियन ने कहा था कि हम जो है वो प्रॉक्सी वॉर नहीं करेंगे बल्कि हम स्ट्रेट जो अटैक करेंगे, और उन्होंने अपने तौर पे एक दो बेसिस के ऊपर एक 12 दर्जन एक तकरीबन मिसाइल फेंके हैं, लेकिन कितना लॉस हुआ है दिस इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, बिकॉज जो इनका क्लेम है 80 लोगों की हलाकत का वो अभी कंफर्म होना बाकी है। अमेरिका और ईरान दोनों ही नहीं चाहते कि वो किसी ऐसी जंग में उलझे। अमेरिका इसलिए क्योंकि उसके हाथ तो इस वक्त और बड़े मसले बैठे हैं, खासतौर पर ट्रंप साहब की अपनी कैंपेन है और री इलेक्शन है उनका, ये साल का इलेक्शन का साल है, और ईरान में कि वहाँ पर मामला ऑलरेडी माशी तौर पर काफ़ी ख़राब है और वो नहीं चाहते कि जो इस वक्त ईरान में एक जज्बा पैदा हुआ है उसको किसी जंग में झोंक दिया जाए। देखें, ये अमेरिका को भी मालूम था कि अगर वो ईरान के सिपा सलार को इस तरीके से शहीद करेगा, और जो कि बहुत हार्द अजीज था ईरान का, तो जाहिर है ईरानी पब्लिक का बहुत सेंटिमेंट मजरू हुए थे, वो बहुत गमजदा थे, और ईरान की हुकूमत को कोई ना कोई रिटेलिएशन एक्शन करना पड़ना था अपने आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए। आज सुबह जब उन्होंने ये क्रूज मिसाइल फायर किए हैं 2 अमेरिकन एयरबेसिस के ऊपर, तो जाहिर है इसके बाद उन्होंने सबसे अच्छी ये बात की है कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि जी हमने जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला ले लिया, मीन्स कि वो और इस जगह एस्केलेशन नहीं चाहते।